नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के आरोपी विकास दुबे को लेकर आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब आरोपी विकास दुबे के गुर्गे को आज सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए दयाशंकर अग्निहोत्री नाम के शख्स ने विकास दुबे के घर से हुए हमले को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। गिरफ्तार दयाशंकर अग्निहोत्री ने पुलिस से शुरुआती पूछताछ में बताया कि विकास को फोन आने के बाद बाहर से 25 से 30 लोगों को बुलाया गया था। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में दयाशंकर ने बताया है कि विकास दुबे को किसी का फोन आने के बाद वो सक्रिय हो गया था। उसने फोन कर 25 से 30 लोगों को अपने घर बुलाया था। इसके अलावा रास्ते पर JCB खड़ी कर पुलिस टीम का रास्ता रोकने का प्लान बनाया गया था। विकास दुबे और इसके ये सभी साथी घात लगाकर गांव में बैठे थे और पुलिस टीम के यहां पहुंचने के बाद विकास ने खुद भी उन पर फायरिंग की थी। पुलिस टीम दयाशंकर की इस जानकारी के बाद उन लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिन्हें कि उस रात विक्रू गांव से फ़ोन किया गया था। इसके अलावा तमाम ऐसे अभियुक्तों पर भी नज़र रखी जा रही है जिन्हें विकास दुबे के ठिकानों की जानकारी हो। बताया जा रहा है कि STF की तमाम टीमों ने सेंट्रल UP और वेस्ट UP के जिलों में डेरा डालकर विकास की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस के साथ साथ खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। घटना के बाद विकास और उसके साथी कैसे भागे, इसे लेकर भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार दयाशंकर से कड़ी पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।